Dear children, good morning and Jai Hind. My dear kids, in the last class we have seen that how should we conserve biodiversity and why should we conserve biodiversity. हम बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से बचाए और हम बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाए, दो चीजों पे, दो कारणों पे हम लोगों ने फोकस किया था बच्चों. आज मैं आपको इलेबोरेट करने जा रहा हूँ रे डायग्राम्स के थ्रू, एंड देन इन टुडेस क्लास वी शल जस्ट विजुअलाइज द थ्रीट, किस तरीके से थ्रीट हो रहा है बायोडाइवर्सिटी के साथ में, क्या थ्रीट प्रॉब्लम्स है, क्यों वो जो धीरे धीरे रेरेस्ट होते चले जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं, इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन से लेकर इकोलॉजी के क्वेश्चन तक हर जगह बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में पूछा जाता है बच्चों. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नंबर, दो नंबर से लेकर पांच नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ध्यान से समझिएगा आप, इस रे डायग्राम को बनाना भी है आपको, चार्ट को, इस चार्ट को बनाना भी है आपको क्लास के बाद बच्चों. तो प्लीज सी हियर विद अटेंटिव मैनर विद फुल ऑफ कंसंट्रेशन. Biodiversity and conservation, you are seeing my dear kids, and in the last class I have told you two kind of conservation system which are in situ and ex situ. ध्यान दीजिएगा, in situ और ex situ दो तरीके की conservation policy हम लोगों ने देखा. In situ जबकि हम on site, site पे ही, जिस site पे की particular wild life पाया जाता था या on the edge of extinction endangered species पाया जाता था, उसको हम उस पर्टिकुलर एरिया में ही कंजर्व करते थे बच्चों, उस प्रोटेक्टेड एरिया में ही. ओके, सो यू आर सीइंग हियर इन सीटू कंजर्वेशन, दैट इज प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क विच आर नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ओके, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मैंने बताया था आपको सेंचुरीज के बारे में भी, बायोस्फीयर रिजर्व्स विच आर टेरेस्ट्रियल एंड मेरीन, जमीन में या स्थलीय या तो फिर वाटर बॉडीज में, मेरीन में बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं, या फिर सेक्रेट ग्रुप्स एंड सेक्रेट लेक्स, यहाँ पर सेक्रेट ग्रुप्स और सेक्रेट लेक्स भी एक तरीके से इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में ही लिया जाता है. तो इस तरीके से बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नेशनल पार्क्स हैं, मैंने कुछ नेशनल पार्क्स की एग्जांपल भी आपको दिया, लाइक काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है विच इज फेमस फॉर वन आर्ड राइनोसेरास, एंड सिमिलरली द गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लायन. ओके, तो अलग अलग नेशनल पार्क बच्चों अलग अलग वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए आप देख रहे हैं. तो नेशनल पार्क्स और उनका वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन, टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू आर सीइंग हियर. ओके चिल्ड्रन, एंड सी हियर द एक्स टू कंजर्वेशन, एक्स ऑफ दैट इज ऑफ साइट. इन दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन द रेयरेस्ट स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट टू समवेयर एल्स व्हिच इज द मैनमेड सेटिंग. ध्यान से समझिएगा, एक्सिटू कंजर्वेशन में हम थ्रीटेंड एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद उनको हम प्रोटेक्टेड एरिया में, जो मैनमेड एरिया है बच्चों, वहां पर ले जाके कंजर्व करते हैं. दैट इज एक्सिटू कंजर्वेशन, आइदर एनिमल्स आर प्लांट्स. ओके, यू आर सीइंग हियर बॉटनिकल गार्डन्स. सबसे पहले तो बॉटनिकल गार्डन्स की बात हम करते हैं बच्चों. बॉटनिकल गार्डन्स जहाँ पे रेयरेस्ट प्लांट स्पेसिमेंस को लिविंग कंडीशन में कंजर्व करके रखा जाता है, लिविंग कंडीशन में वे कंजर्व होते हैं, रख रखाव उनका किया जाता है ताकि जो है इवोल्यूशन की स्टडी में आसानी हो. उनके थ्रू हम देख सकें कि इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स क्या क्या है. दुनिया का जो सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, दैट इज रॉयल बॉटनिकल गार्डन सिचुएटेड एट क्यू इन इंग्लैंड. ध्यान दीजिएगा, रॉयल बॉटनिकल गार्डन सिचुएटेड एट क्यू इन इंग्लैंड. और जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब आप देखेंगे या कम्पिटिटिव तैयारियों के दौरान आपको पता चलेगा कि उसी गार्डन के जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, क्यू इंग्लैंड में, क्यू एक जगह है, के ई डब्ल्यू, और क्यू क्यू में ये बॉटनिकल गार्डन है, उसके जो गार्डनर थे, उसके जो डायरेक्टर थे, इनफैक्ट बेंथम एंड हुकर, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू एट इंग्लैंड और उसके जो डायरेक्टर थे बेंथम एंड हुकर, दे बोथ जस्ट प्रपोज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिवाइडेड एंजियोस्पर्म्स इन 202 फैमिलीज. चिल्ड्रेन, जैसा आपने 11th में तीन फैमिली पढ़ा भी था, सोलेनेसी, फैबेसी और लिलिएसी, आपको याद भी होगा. इस तरीके से बेंथम एंड हुकर जस्ट क्लासिफाइड द एंजियोस्पर्म्स इन 202 फैमिली. चिल्ड्रेन, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली.
एंड द फर्स्ट फैमिली वाज रेनन कुलेसी, पहला फैमिली जो रेनन कुलेसी था, बेंथम एंड हुकर ने 202 फैमिली एंजियोस्पर्म्स को 202 फैमिली बांटा। तो बॉटनिकल गार्डन्स का महत्व आप देख रहे हैं। इंडिया में भी आपको मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था, नेशनल बॉटनिकल गार्डन कोलकाता, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून एंड NVRI सिचुएटेड एट लखनऊ, विच आर एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की कंजर्वेशन के लिए बॉटनिकल गार्डन, वहां पर एक्सीटू कंजर्वेशन किया जाता है। यानी बॉटनिकल गार्डन जो है वो किसी पर्टिकुलर प्लांट का नेटिव प्लेस नहीं है, पर्टिकुलर प्लांट्स को उनके नेटिव प्लेस से जहां पे वो इंडेंजर्ड थे, ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन थे, वहां से निकाला गया और निकाल कर बॉटनिकल गार्डन में कंजर्व किया गया बच्चों। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ बॉटनिकल गार्डन। सिमिलरली अर्बोरेटा, जूलॉजिकल गार्डन, एक्वेरिया डाइवर्सिटी। जूलॉजिकल गार्डन की अगर बात करें बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा, दैट इज जू, इनफैक्ट जू, नेशनल पार्क से इसको मत कंपेरिजन करिएगा। जो नेशनल पार्क होते हैं वह नेटिव एरियाज को ही प्रोटेक्टेड कर दिया जाता है, इसलिए उनको प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। जबकि जूलॉजिकल गार्डन या जू जो है वह मैन मेड सेटिंग है, और मैन मेड सेटिंग है जहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं जू जो है एक मनोरंजन के लिए भी लोग यूज करते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं उससे थोड़ा इकोनॉमिक कास्ट भी आ जाता है, तो वह एक अलग चीज हो गई। बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड देयर कंजर्वेशन। तो जूलॉजिकल गार्डन्स यू आर सीइंग दैट इज मैन मेड सेटिंग चिल्ड्रन, ये मैन मेड सेटिंग है। एंड सिमिलरली एक्वेरिया यू आर सीइंग, अगर एक्वेरियम को देखें हम, तो एक्वेरियम भी एक छोटा सा इकोसिस्टम है। जब मैं इकोसिस्टम की आपको क्लासिफाई कर रहा था, इकोसिस्टम की आपको मैन मेड और नेचुरल इकोसिस्टम को दिखा रहा था, तो आपने देखा था मैन मेड इकोसिस्टम, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के दौरान हम लोगों ने चर्चा किया था, जू का भी, एक्वेरियम का भी और किचन गार्डन का भी। तो बच्चों जू या एक्वेरियम जो है यह मैन मेड सेटिंग होती है, यह भी छोटा सा एक इकोसिस्टम है जहां पर बायोडाइवर्सिटी है, प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स हैं, सॉरी प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स हैं, लेकिन दैट इज मैन मेड सेटिंग। ओके, एंड यू आर सीइंग हियर द सीड बैंक्स। ध्यान दीजिएगा, इलेबोरेटेड वे में ये चार्ट आप देख रहे हैं बच्चों, सीड बैंक्स, फील्ड जीन्स बैंक्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, एक नई चीज आई। जीन बैंक और सीड बैंक आप समझ रहे हैं, स्पर्म बैंक आप जानते ही हैं, सीमेन बैंक, बट यू आर सीइंग हियर द क्रायो प्रिजर्वेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड न्यू टॉपिक फॉर यू, दैट इज द प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। ध्यान दीजिएगा, लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं -194 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों, और क्रायो प्रिजर्व करके स्पर्म्स को, सीड्स को या जीन्स को हम कंजर्व कर रहे होते हैं बच्चों। तो दिस वन इज द सीड बैंक यू आर सीइंग, एंड नेक्स्ट क्राइटेरिया यू आर सीइंग इज सैक्रेड प्लांट्स, जो पवित्र प्लांट्स का एक झुंड होता है। एक होम गार्डन तो अलग चीज हो गई, किचन गार्डन मैंने बताया था वो भी एक मैनमेड सेटिंग होती है, लेकिन इसके अलावा जो सेक्रेट प्लांट्स का ग्रुप है वो भी हम उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से ले जाकर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में कंजर्व कर रहे होते हैं मैनमेड सेटिंग में, या कह सकते हैं कि समवेयर इल्स, दैट इज एक्सीटू कंजर्वेशन माय डियर किड्स। एंड यू आर सीइंग दिस चार्ट, अभी भी ये चार्ट मैंने आपको एक दूसरे वे में दिखाया था, अब वही चार्ट आप दूसरे वे में देख रहे हैं। देखिए, पहले मैंने आपको इस तरीके से इस चार्ट को दिखाया, और अब देखिए यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया गया है हल्का सा। इन सीटू जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क थे, जिसमें आपने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर्स और सेक्रेट ग्रुप्स को देखा, और जबकि एक्सीटू कंजर्वेशन में चार्ट वही है बच्चों, बस इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इन दोनों ही चार्ट में से देखिए, ये या ये दोनों में सेम चीजें हैं, आपको जो ज्यादा फिजिबल लगे, जो आसानी से आप बना सकें, और बनाने से ज्यादा जिसको आप समझ कर इलेबोरेट कर सकें, आप वही चार्ट बनाइएगा। दोनों में ही सेम मैटर दिया हुआ देख रहे होंगे आप, इसमें और इसमें दोनों में सेम मैटर दिया हुआ है बच्चों। इन दोनों में से जो आपको इजी लगे, जो आसानी से आप बना सके, वही एक ही चार्ट बनाना है आपको केवल। ओके, एक्सीटू में भी आप देख रहे हैं बॉटनिकल गार्डन्स, आर्बोरेटा, जूलॉजिकल गार्डन्स मैंने बताया आपको, जूस, इनफैक्ट जूलॉजिकल गार्डन नहीं बल्कि वो जू, और जूलॉजिकल पार्क्स कहा जाता है, जूलॉजिकल पार्क्स या जू, और जबकि यहाँ सीड बैंक, जीन बैंक, यू आर सीइंग एंड दीज आर द सेक्रेट प्लांट्स एंड होम गार्डन। तो सेम चार्ट है दोनों में, जो आपको इजी लगे। द इन सीटू एंड एक्सीटू अप्रोचेज ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया यू आर सीइंग हियर एंड थ्रीड। नाउ
जस्ट सी द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ टूडेज क्लास, दैट इज थ्रीट। जैसे हम लोगों ने देखा कि बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो बच्चों हमें यह भी पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी की लॉस के क्या कारण है, बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है उसके क्या क्या रीजंस हैं, दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। हम लोग पहले एक बार देखा था शुरुआत में, हम लोगों ने हैबिटेट लॉस की बात किया था कि हैबिटेट लॉस और को एक्सटिंक्शन की। अब हम थ्रीट और बायोडाइवर्सिटी लॉस को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, क्योंकि चैप्टर ही हमारा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो क्या क्या थ्रीट्स हैं उसको देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारणों को हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। नंबर वन, यू आर सीइंग द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यही पहला कारण होता है बच्चों, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं आप। हैबिटेट बच्चों आप जानते हैं, हैबिटेट रहने का स्थान होता है, हैबिटेट वह प्लेस होता है जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है, चाहे वो लेक हो, पॉन्ड हो, फॉरेस्ट हो या डेजर्ट हो, दैट इज द हैबिटेट। उसको इकोलॉजी की भाषा में निच भी बोलते हैं, NICHE, द पर्टिकुलर प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज सेड टू बी एज निच, NICHE। ओके, तो हैबिटेट आप निच भी में बता रहा हूँ, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब निच करके आए तो आप कंफ्यूज मत होंगे, वहां पर निच करके पूछता है हैबिटेट को, NICHE, नोट कर लीजिए इसको। तो फर्स्ट थ्रीट आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट हैबिटेट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी विद इट। अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है तो जाहिर सी बात है हमें सबसे पहले उसके हैबिटेट को बचाना पड़ेगा। ओके, ह्यूज प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड्स रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सबसे बड़ा जो डिस्ट्रक्शन का कारण है आपको अच्छी तरह से मालूम है, दैट इज ह्यूज रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो तेजी से बढ़ने वाला यह पॉपुलेशन है ह्यूमन बींग का, और यह कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन का मेजर कारण है, क्योंकि हम सेटल करने के लिए अपने आप को नीट के लिए और ग्रीड के लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं, डिफॉरेस्टेशन द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। ओके, और उसके बाद इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन क्रिएट करते हैं, जगह जगह पर फॉरेस्ट में फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट है वो रिड्यूस हो जाता है। जरा सोचिए, जो लायन या टाइगर जो ब्रीडिंग करेंगे अपने फॉरेस्ट में, आपको क्या लगता है वो मैन मेड सेटिंग में भी ब्रीडिंग कर पाएंगे? कभी नहीं। लायन या टाइगर ही नहीं, कोई भी जानवर एक जो है केस के अंदर या कैप्चर्ड मैनर में ब्रीडिंग या अपने लाइफ की फिजियोलॉजी जो भी है वह नॉर्मली नहीं कर पाएगा बच्चों। इसीलिए हमने देखा जब एशियाटिक लायन को बचाना हुआ तो हमने गिर फॉरेस्ट को ही गिर नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लायन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि आप डिस्कवरी भी देखते हैं, तो आप डिस्कवरी पे इन तमाम चीजों को देखते हैं, इंडिया के भी और इंडिया के बाहर के भी जगहों का आपने तमाम देखा हुआ है। अभी जिम कार्बेट नेशनल पार्क का और इसके बाद जो काजीरंगा नेशनल पार्क का, इन तमाम जगहों की शूटिंग भी दिखाई गई, तो कहीं ना कहीं आप अगर देखे होंगे तो आपको जरूर आइडिया होगा कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है बायोडाइवर्सिटी को। इसके अलावा बच्चों हम माइनिंग करते हैं, जब माइंस बनाते हैं वहां पर भी हम फ्रेगमेंटेशन क्रिएट करते हैं, तभी नुकसान होता है। दूसरा हम देख रहे हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, इन सभी को भी मैं डिटेल में एलेबोरेट करूंगा, आप घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट फर्स्टली सी द थ्रीट्स टू बायोडाइवर्सिटी। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, चेंज इन अ बायोटिक एलिमेंट्स ऑफ इकोसिस्टम लीडिंग टू बायोटिक चेंज, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंजिंग होती चली जाती है वैसे वैसे बायोटिक चेंज भी होता है बच्चों, ग्रेजुअली इन अ पैरेलल मैनर, एकदम पैरेलल तरीके से, जैसे जैसे आप देखेंगे क्लाइमेट में चेंजेस होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप देखेंगे कि बायोटिक चेंजेस भी साथ में ही होते रहते हैं। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, अभी मैं पीछे आपको हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहा था, फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज रिड्यूस्ड एबिलिटी ऑफ हैबिटेट टू सपोर्ट स्पीसीज। देखिए, अर्बनाइजेशन करने के लिए हम जंगलों को काट के सिटी बना देते हैं, आपने देखा होगा फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया को हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं और वहां पर इंडस्ट्रीज लगा देते हैं या कोई सिटी बना देते हैं रहने के लिए लोगों के, तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन एक्टिविटी जो है यह एक मेजर कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। ओके बच्चों, नेक्स्ट वन इज यू आर सीइंग पॉल्यूशन, अगला क्रम है पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन आप जानते हैं, अनवांटेड मटेरियल्स का प्रेजेंस हो जाना एयर वाटर और सोयल में, इसके अलावा
नॉइस पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी आप जानते हैं बच्चों। कभी आप जब किसी नेशनल पार्क घूमने जाते हैं या आर्मी जोन में जाते हैं तो आप देखते हैं लिखा होता है हॉर्न ब्लोइंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बिकॉज हॉर्न की आवाज भी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। जो वाइल्ड लाइफ वहां पर रखे कंजर्व किए गए हैं, कंजर्व किए जा रहे हैं, उनकी नेचुरल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो सकती है, उनका ब्रीडिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। और यही कारण था कि 1972 आते आते टाइगर्स की संख्या एकदम से रिड्यूस्ड कर गई और बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड हो गया टाइगर की संख्या। इसलिए रनिंग प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी डिक्लेयर टाइगर एज नेशनल एनिमल, और तब इंदिरा गांधी ने टाइगर को नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया और इसके बाद हमारे देश में एक प्रोजेक्ट चलाया गया, टाइगर प्रोजेक्ट। शुरुआत में ही मैंने आपको टाइगर प्रोजेक्ट, लायन प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट एलिफेंट, इन तमाम प्रोजेक्ट के बारे में बताया है बच्चों, किस तरीके से ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलाए गए वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए उसी नेटिव प्लेस पर जहां पर कि वो पाए जाते थे। जैसे मैंने बताया आपको रॉयल बंगाल टाइगर, उनको एक प्रोजेक्ट चलाया गया सुंदरबन नेशनल पार्क में, दैट इज इन वेस्ट बंगाल, तो वहीं पे उनका कंजर्वेशन किया जा रहा है। दिस इज अ टाइप ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। इन फैक्ट इन सीटू कंजर्वेशन वी जस्ट डू द कंजर्वेशन ऑफ रेयरेस्ट वाइल्ड लाइफ आर द इंडेंजर्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ इन देयर नेटिव प्लेस, सो दैट दे ब्रीड इजली, दे ब्रीड प्रॉपरली एंड प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग्स। और देखते ही देखते आज के डेट में हम टाइगर्स पे नंबर वन पर आ चुके हैं पूरे वर्ल्ड में बच्चों। और टाइगर्स ये जो बायोडाइवर्सिटी है, कहीं ना कहीं मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी है वह सबसे रिचेस्ट मानी जाती है। ओके, तो रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी हमारे पास है अभी भी, बस हमें उसको कंजर्व करने की जरूरत है। सो यू आर सीइंग हियर द पॉल्यूशन ऑल्सो, दैट इज द मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड मटेरियल इन एयर वाटर एंड सॉयल एज वेल एज नॉइज पॉल्यूशन का भी मैं एक एग्जाम्पल दिया बच्चों। ये पॉल्यूटेंट्स जो न्यूट्रिएंट ओवरलोड लोडिंग करते हैं नाइट्रेट फर्टिलाइजर वगैरह से, या हार्मफुल केमिकल्स बायो मैग्निफिकेशन के थ्रू, आप जानते हैं पहले ये सॉयल के जो क्रेविक्स हैं, दरारें हैं, उसमें परकोलेट होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, बायोलॉजी का वर्ड है परकोलेट, तो सॉयल के क्रेविक्स में परकोलेट हो जाते हैं, एंड देन प्लांट्स एब्जॉर्ब दीज केमिकल्स एलॉन्ग विद वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल इन कैपिलरी सिस्टम। आप पूरा कैपिलरी सिस्टम जानते ही हैं, और उसके बाद यही केमिकल्स लेड, मरकरी, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत, यही केमिकल्स जब प्लांट्स के अंदर पहुंचते हैं और प्लांट से फिर हमारे अंदर पहुंचते हैं तो ये इनका जो कंसंट्रेशन है वो मैग्निफाई हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज सेड टू बी एज बायो मैग्निफिकेशन। इसलिए इस प्रोसेस को बच्चों बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है, जिसमें कि मैग्निफाइड वे में या केमिकल्स हमारे अंदर मैग्निफाइड हो जाते हैं और बहुत से जो डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, ट्यूमर, कैंसर एंड सो मेनी डिसऑर्डर्स क्रिएटेड बाय दीज केमिकल्स, एंड द फेनोमेना इज सेड टू बी एज बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन। अभी आप बायो मैग्निफिकेशन भी डिटेल में पढ़ेंगे, आप इन्वायरमेंटल इश्यू चैप्टर आएगा वहां पर। नेक्स्ट वन इज आर सीइंग ओवर एक्सप्लाइटेशन, अति शोषण, यह एक बहुत बड़ा रीजन है बच्चों। This includes the illegal wildlife trade as well as overfishing, logging of tropical hardwoods. देखिए जो tropical hardwoods हैं उनका log हो जाना वहाँ पर water logging से। इसके अलावा आप देख रहे हैं जो tropical hardwoods हैं उनका हम जरूरत ज्यादा है तो उनको हम जो है कटिंग करते हैं फॉरेस्ट से। इसके अलावा illegal hunting and poaching, आप जानते हैं hunting and poaching पे बैन लगा हुआ है हमारे देश में। हम इलीगली हंटिंग करते हैं अपने शौक के लिए और अपने ग्रीड के लिए, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं जो वाइल्ड लाइफ के बॉडी से मिलने वाले इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल हाथी दांत हो गया, फॉर एग्जांपल स्किन हो गया लायन का, टाइगर का या अन्य वाइल्ड लाइफ का, ये तमाम चीजें, बारहसिंघा का सिंह, इस तमाम चीजें इसको जो है हम बेच कर करोड़ों रुपए कमाते हैं बच्चों। तो दैट इज पोचिंग एंड दैट इज स्ट्रिक्टली बैन, इट इज इलीगल एक्टिविटीज। ओके, और इसके अलावा ओवर फिशिंग भी देख रहे हैं आप, फिशिंग एक नॉर्मल लेवल से बढ़कर फिश प्रोडक्ट आज के जमाने में आप देख रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज मनी ओरिएंटेशन के हिसाब से होता है, क्योंकि फिश प्रोडक्ट्स
फिश लीवर कॉडल, सेलमोन ओमेगा या ओमेगा थ्री या अन्य फिशेस के भी जो फिश प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं बच्चों, उसके लिए कहीं कहीं हम ओवर फिशिंग करते हैं, तो ओवर फिशिंग भी एक तरीके का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया वाइल्ड लाइफ के लिए। नेक्स्ट यू आर सीइंग हियर द एलियन स्पीसीज इंट्रोड्यूस बाय ह्यूमन टू रीजन वेयर देयर आर नो नेचुरल प्रीडेटर्स। देखिए, ये जहां पर कोई नेचुरल प्रीडेटर्स नहीं है वहां पर जो है एलियन का स्पीसीज कर देना, प्रीडेटर्स को डाल देना, ऑटोमेटिकली जो वहां पर स्मॉलर वन, वीकर वन है, वह धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगेगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था डार्विन की यात्रा का, जिस समय डार्विन पैसिफिक ओशियन की यात्रा कर रहे थे बच्चों, हम लोगों ने देखा गैलापागोस आइसलैंड, और गैलापागोस आइसलैंड पर कुछ गोट्स के इन्वेजन से वहां पर एक प्रोमिनेंट स्पीसीज टर्टवाइस की थी, दैट इज एबिंगडन। तो एबिंगडन टर्टवाइस जस्ट बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड ड्यू टू इन्वेजन ऑफ गोट्स, तो गोट्स की इन्वेजन से। तो यह एलियन स्पीसीज इन्वेजन है बच्चों, जो एलियन स्पीसीज के आने की वजह से कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। एंड लास्ट वन यू आर सीइंग हियर द डिजीज रिडक्शन इन हैबिटेट कॉजिंग हाई पॉल्यूशन पॉपुलेशन डेंसिटीज इन यू आर सीइंग हियर हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज इनकरेजेज स्प्रेड ऑफ डिजीज। देखिए, जब हैबिटेट का रिडक्शन हो जाएगा तो ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ने लगेगी, क्योंकि डेंसिटी आप समझ रहे हैं मास अपॉन वॉल्यूम द पॉपुलेशन साइज। और जब एरिया कम होने लगेगा, हैबिटेट भाई वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट है तो फॉरेस्ट है, जब हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो फॉरेस्ट का एरिया घटता जा रहा है, और घटने की वजह से जो है उनकी जो वाइल्ड लाइफ है उनका एरिया कम हो जाएगा, उनके हैबिटेट लॉस हुआ, तो इसकी वजह से उनकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और डेंसिटी बढ़ने की वजह से स्प्रेड ऑफ डिजीज भी बढ़ जाएगा, ज्यादा डिजीज फैलने लगेगा, क्योंकि आप कम जगह में ज्यादा वाइल्ड लाइफ हो गए, तो डेंसिटी बढ़ जाने से डिजीज का स्प्रेड भी ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने क्या क्या देखा थ्रीट के अंदर, अगर हम बात करें एक मिनट यहाँ पर थ्रीट के अंदर अगर हम बात करें हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, पॉल्यूशन, ओवर एक्सप्लाइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, एंड देन डिजीज ड्यू टू द रिडक्शन इन द हैबिटेट एंड इंक्रीजमेंट इन द पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके माय डियर किड्स, नेक्स्ट सी द कंक्लूजन, नेचुरल थ्रीट्स टू बायोडाइवर्सिटी आर स्लोअर एंड मोर ग्रेजुअल देन द एंथ्रोपोजेनिक थ्रीट। एंथ्रोपोजेनिक वर्ड नोट कर लीजिएगा, एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मैन मेड, एंथ्रोपोलॉजी होता है बच्चों मैन के इवोल्यूशन की स्टडी, एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मैन मेड थ्रीट्स, ध्यान दीजिएगा, बता रहा है यहाँ पर कि जो नेचुरल थ्रीट्स हैं, जो नेचुरल कैलामिटीज है बायोडाइवर्सिटी के लिए, वो बहुत स्लोअर है और बहुत धीरे धीरे हजारों करोड़ों वर्षों में प्रभावित करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, देन द एंथ्रोपोजेनिक थ्रीट्स दैट इज मैन मेड थ्रीट अलाउइंग बायोडाइवर्सिटी टू अडॉप्ट और इवॉल्व। एंथ्रोपोजेनिक थ्रीट्स ज्यादा है बच्चों अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओके मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, दीज आर द मेन रीजन ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, एंथ्रोपोजेनिक थ्रीट्स अकर्स एट एन एक्सीलरेटेड रेट, हमारे नीड और हमारी ग्रीड के कारण यह जो हमारा मैन मेड एक्टिविटीज है जो एंथ्रोपोजेनिक थ्रीट क्रिएट किए हुए बायोडाइवर्सिटी को, वह एक्सीलरेटेड रेट से बढ़ रहा है। बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट एडजस्ट क्विकली एनफ टू प्रिजर्व दिस रेट ऑफ चेंज, प्रिजर्व द रेट ऑफ चेंज, मतलब कहने का यह है कि जो इतना आसानी से इसको बायोडाइवर्सिटी जो है एडजस्ट नहीं कर सकता इस चेंजेस को, जो चेंजेस एंथ्रोपोलॉजिकली हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक मैनर में हो रहा है, उस चेंज को एडजस्ट बायोडाइवर्सिटी क्विकली नहीं कर सकता है, और जब तक एडजस्ट कर रहा होता है तब तक बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है बच्चों। नेचुरल थ्रीट्स आर साइक्लिकल एंड बैलेंसिंग ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वाइल्ड एंथ्रोपोजेनिक थ्रीट्स आर एक्सपोनेंशियल एंड इमीडिएटली डिसरप्टिव। ध्यान दीजिए, यह एक बहुत बड़ा पॉइंट आप देख रहे हैं बच्चों, जो भी नेचुरल थ्रीट्स होते हैं वह साइक्लिक हैं, कहीं ना कहीं अगर उनसे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हुआ तो वह ओवरकम करके बैलेंस कर देते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में बैलेंस कर देते हैं धीरे धीरे। लेकिन जो एंथ्रोपोजेनिक थ्रीट्स है बच्चों, जो मैन मेड एक्टिविटीज का थ्रीट है, वह एक्सपोनेंशियल है, वह बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, एंड इमीडिएटली डिसरप्टिव, और डिसरप्टिव भी है। जस्ट सी द कंक्लूजन विद इन 2 मिनट्स एंड देन वी शैल गो फर्दर।
So, my dear kids, you are seeing that anthropogenic threats are the main cause of the biodiversity loss in comparison to natural threats. Natural threats के तुलना में कहीं कहीं anthropogenic threats बहुत ज्यादा है बच्चों. या देखिए क्लाइमेट चेंज, हम लोग अब हम लोग एक एक फैक्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. जैसे क्लाइमेट चेंज, अभी पीछे हम लोग देखे कि उससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है. देखिए जरा, अवर मैनिपुलेशन ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम इज हैविंग ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी. देखिए हमारा जो मैनिपुलेशन है, हमारा जो हम अपने हिसाब से अपने नीड और ग्रीड के लिए जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए. हम डिफॉरेस्टेशन किए, ऑटोमेटिकली यह क्लाइमेट चेंज नेचुरल डिजास्टर क्रिएट करना शुरू करेगा बच्चों. क्योंकि आप जानते हैं प्लांट्स के रूट्स सॉइल को बाइंड करते हैं, प्लांट्स के रूट्स सॉइल को बाइंड करते हैं. जब हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं बच्चों, तो कहीं ना कहीं सॉइल बिकम फ्री फॉर इरोजन. और तेज हवा का झोंका अगर आया, दैट इज कॉल्ड एज फिस्ट, दैट इज कॉल्ड एज फिस्ट, दैट इज कॉल्ड एज फिस्ट. तेज हवा का झोंका आया, दैट इज कॉल्ड एज फिस्ट, उसको फिस्ट कहेंगे. और अगर पानी बरसा, अगर तेज रेनिंग भी हुई, तो समझिए समझिए अगर तेज रेनिंग भी हुई या तेज हवा का झोंका भी आया, तो कहीं ना कहीं सॉइल इरोड हो जाएगा बच्चों. तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा मैनिपुलेशन है, इस इतना ही नहीं, सॉइल इरोजन हुआ, वन प्रॉब्लम हैज बीन क्रिएटेड, देन सॉइल विल बी सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज, रिवर, सी. अगर रिवर के वाटर बॉटम बॉटम में जब सॉइल बैठने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली वाटर कम्स आउट एंड कॉजेस द फ्लड, फ्लड आएगा. अगर सी लेवल में सॉइल बैठने लगेगा सी के बॉटम में, ऑटोमेटिकली इट क्रिएट द हार्बर वेव्स लाइक सुनामीज, लाइक लानिना, लाइक एनिनो एंड सो मेनी हार्बर वेव्स यू आर सीइंग इन द लास्ट डेकेड. पिछले 10 सालों में ही कई बार आपने सुनामी का चर्चा सुना, जापान में सुनामी, इंडोनेशिया में सुनामी. तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ अवर मैनिपुलेशन. इन फैक्ट दैट यू आर सीइंग हियर दैट अवर मैनिपुलेशन ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम is having global impacts on biodiversity. Emission of greenhouse gases, temperature को warm बनाते चले जा रहे हैं. Greenhouse gases which are being emitted through the air conditioners, which are being emitted through the factories, okay, through the automobile emission, motor गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, through the volcano, volcanic eruptions, and ultimately, children, you know that these greenhouse gases trap the reflected sunlight from the earth crust and create our globe warm. That's why this phenomena is said to be as global warming. Okay, modifies the global weather pattern and increases the frequency of extreme weather events. जितने भी extreme weather events हैं, उनकी frequency को बढ़ा देता है. आपने melting glaciers सुना होगा, जो glaciers melt कर रहे हैं, कहीं न कहीं वह global warming का ही consequences है बच्चों. और जाहिर सी बात है, जब ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, नीचे आएंगे, तो सी राइज करेगा, ऑटोमेटिकली हार्बर वेव्स आएंगे, सुनामी आएगा या रिवर से फ्लड होगा. तो अल्टीमेटली जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं या जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है, उसका कारण क्लाइमेट चेंज है. और वह क्लाइमेट चेंज हमारे मैनिपुलेशन की वजह से हो रहा है. यही कारण है बच्चों कि जितना पिछले 100 सालों में बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ था, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, जितना पिछले 100 सालों में बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ था, उससे भी ज्यादा पिछले 10 साल में ही बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो चुका है बच्चों. तो आप सोच सकते हैं कि जितना 90 ईयर्स में बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं हुआ, उतना पिछले 10 ईयर्स में ही हो गया. तो कहीं ना कहीं यह मैन मेड एक्टिविटीज का कंसिक्वेंसेज तो हमारे सामने आता हुआ नजर आ रहा है. इंक्रीजेज स्ट्रेस ऑन पॉपुलेशन एंड फोर्सेज ऑर्गेनिज्म टू शिफ्ट देयर ज्योग्राफिकल रेंजेज. और चूंकि इतना ज्यादा स्ट्रेस इंक्रीज करता जा रहा है कि पॉपुलेशन के ऊपर जो वाइल्ड लाइफ है, जो बायोडाइवर्सिटी है, कि ऑर्गेनिज्म टू शिफ्ट देयर ज्योग्राफिकल चेंजेस, कि ऑर्गेनिज्म अपने ज्योग्राफिकल रेंज को चेंज कर देते हैं. ध्यान दीजिएगा, मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू कोप. और ज्यादातर एनिमल या प्लांट्स जो है कोप नहीं कर पाते इन प्रॉब्लम्स से, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स बायोडाइवर्सिटी लॉस. चिल्ड्रेन, सो सी हियर, these are the causes and sequence, very knowledgeful and very beneficial ray diagram for you. जब क्लास खत्म हो जाएगा, तो आप इसको एज इट इज बनाएंगे. और याद रखिएगा, बोर्ड के एग्जाम में बड़ी वाली कॉपी मिलती है बच्चों,
मैं बोर्ड के एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर पाने के लिए आपको अलग अलग ट्रिक बताता रहता हूँ। उस बड़ी वाली कॉपी में जब बायोडाइवर्सिटी लॉस पूछा जाएगा, जो कि जरूर आएगा क्योंकि ये हर साल लगभग पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस जब पूछा जाएगा तो बोर्ड की कॉपी में पूरे एक पेज पर आप इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल मैनर में जैसे बना हुआ है ऐसे ही पूरे इस रे डायग्राम को बनाएंगे। ओके, पहले मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन के समय ही आपको ये डायग्राम पूरा याद हो जाएगा अपने आप। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉजेज और यह बायोडाइवर्सिटी लॉस के कंसिक्वेंसेस और यह बायोडाइवर्सिटी लॉस के सॉल्यूशंस। आज हम लोग कॉजेज, कंसिक्वेंसेस और सॉल्यूशन इन तीनों को ही देख रहे हैं, और इन तीनों को ही कॉजेज, कंसिक्वेंसेस और सॉल्यूशन को बच्चों कल की क्लास में मैं डिटेल करूंगा, बिकॉज नाउ टाइम इज गोइंग टू ओवर। सो टुमारो वी शैल जस्ट सी दिस पर्टिकुलर चार्ट एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई विल इलेबोरेट द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, द कंसिक्वेंसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड द सॉल्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस थ्रू दिस पर्टिकुलर चार्ट। थैंक यू वेरी मच।